नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरसा चैनल पर। मेरे बच्चों, जैसा आपको पता है कि AGTA की वैकेंसी आएंगी और ज़रूर आएंगी आएंगी मेरे बच्चों। ये एग्रीकल्चर के लिए 86वां वीडियो है एग्रीकल्चर का। 50 प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। परीक्षा में सारे प्रश्न आए हुए हैं। यूपी की परीक्षा हुई थी एग्रीकल्चर की, उसमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो, यही मनोकामना के साथ हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। चलिए देखिए प्रश्न संख्या वन। प्रश्न संख्या वन क्या कहता है? भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया? यूरिया, DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट सबसे पहले बनाया गया? तो सबसे पहले बनाया गया था मेरे बच्चों जो है सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा बनाया गया था? सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। एक सेकंड, कौन सा बनाया गया था? सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या दो। निम्नलिखित राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठे बनाने वाली स्पीसीज है। निम्नलिखित राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठे बनाने वाली स्पीसीज कौन है? बढ़िया प्रश्न है। साइनोराइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजोराइजोबियम या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एजोराइजोबियम है, क्या एजोराइजोबियम ये जो है मेरे बच्चों तने पर गांठे बनाने वाली स्पीसीज है, तने पर गांठे। तीसरा नंबर, जिप्सम के सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? जिप्सम के पूछा गया है राजस्थान, बिहार, हरियाणा और गुजरात। जल्दी से आप बताइए तीन। तो ये जिप्सम के सबसे अधिक भंडार कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या चार की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अभी बताऊंगा कहां पर मिलेगी। क्वेश्चन संख्या चार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया? क्वेश्चन संख्या चार, उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया? तो उर्वरक नियंत्रण आदेश जो है मेरे दोस्तों सी नंबर, 1957 में पारित किया गया उर्वरक नियंत्रण आदेश। चलिए बच्चों पांच नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन सी है? पांच नंबर, सबसे ज्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन सी है? पांच नंबर पे आएंगे तो करनाल घास जिसे बोलते हैं, करनाल घास सबसे ज्यादा लवण सहन कर सकती है। चलिए लाल मिट्टी निम्न में किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? हम लाल मिट्टी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या छह, लाल मिट्टी निम्न में किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश। छह नंबर, तो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नंबर पे आते हैं। लिखा है चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? लिखा है चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? सूचक पौधा है, ध्यान रखना। बढ़िया प्रश्न है। फास्फोरस, बोरान, मैग्नीशियम और सोडियम, जल्दी से बताइए क्वेश्चन संख्या सात। तो जो सूचक पौधा है वो है सोडियम। किस पोषक तत्व का है? ये सोडियम पोषक का है, ध्यान रखना। ठीक, क्रॉप लॉगिंग किस फसल में काम में ली जाती है? बढ़िया है शब्दावली क्रॉप लॉगिंग, गन्ना में, बाजरा में, गेहूं में या आलू में? ठीक है, तो गन्ना में ली जाती है। किस में ली जाती है? गन्ना में। चलिए नाइन नंबर पे आते हैं। मृदा वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है? मृदा वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन संख्या नाइन। तो 78% होती है, बहुत सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या बढ़ते हैं दस पे। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए,
बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 10, एक सेकेंड आ जाओ। क्वेश्चन संख्या 10, यस आ गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 10। देखिए क्वेश्चन है, देख लीजिए कि मृदा वायु में CO2 की प्रतिशत कितनी होती है। तो CO2 0.25 होती है। कितनी? 0.25% CO2। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 10 नंबर। और 10 का क्वेश्चन संख्या सही है सी सी। चलिए 11 पे आते हैं। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज्यादा होती है? बालू, सिल्ट, मृतिका या ह्यूमस? ह्यूमस, ठीक है। ठीक, तो ये होती है ह्यूमस की। किसकी होती है? ह्यूमस की। पहाड़ी मिट्टियां साधारणतया होती हैं अम्लीय। क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। पहाड़ी मिट्टियां साधारणता जो है अम्लीय होती हैं। मेरे बच्चों, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी PDF भेज दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 और 14 पे। क्वेश्चन संख्या 13 14 क्या कहता है इसको भी देख लो। यूरिया में बाई यूरेट, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है मेरे बच्चों? 13 कहता है कि यूरिया में बाई यूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका ये राइट आंसर है। उर्वरक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। उर्वरक जिसमें Cl- आयंस पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं? बढ़िया, 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर, ये आलू। उर्वरक जिसमें Cl- आयन पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं? आलू के लिए नहीं होते हैं। चलिए, मूंग के बीजों दानों मतलब को रात भर भिगोकर उगे हुए खाने से कौन सा विटामिन ज्यादा प्राप्त होता है? तो विटामिन सी ज्यादा प्राप्त होता है। विटामिन सी ज्यादा प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 पे। 16 पे बढ़ेंगे, 16 पे बढ़ेंगे। देख लीजिए, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों में सबको पता है मीथेन गैस निकलती है। पक्का है? ये राइट आंसर है, मीथेन। आप सबको पता होगा। 17 नंबर, 17 नंबर क्या है? मृदा का स्थायी गुण क्या है? मृदा का स्थायी गुण क्या है? 17 नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है 17 नंबर, आप जल्दी से इसको देखिए, ठीक है। तो मृदा विन्यास ये स्थायी गुण है। भारत में कौन सी फसल में सबसे ज्यादा दवाओं का उपयोग किया जाता है? कपास में, बी में, कपास में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए 18 के बाद हम 19 पे आएंगे, 19 पे आएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, 19 नंबर पे आएंगे। देख लीजिए 19 नंबर क्या कहता है इसको भी देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, निम्न में से किस पौधे फसल की जड़ों में गांठें नहीं बनती हैं? देख लीजिए, थोड़ा आपको सही दिखाई दे रहा होगा, नहीं थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा इसकी क्वालिटी सही नहीं, और क्वालिटी सही करते हैं इसकी। देखिए चलिए, देखिए हाँ अब दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, निम्न में से किस पौधे फसल की जड़ों में गांठे नहीं बनती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, 19 नंबर जो है, ठीक है। तो राजमा में गांठे नहीं बनती हैं। किसमें? राजमा में गांठे नहीं बनती हैं। 120 किलोग्राम नत्रजन की मात्रा किस पौधे फसल के लिए उपयोगी होती है? तो ये राजमा के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? राजमा के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन संख्या 20, ठीक है, ध्यान रखना।
बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न सारे आए हुए हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर आते हैं, 21 नंबर, 21 नंबर आते हैं। देखो लिखा है सोयाबीन के दानों में पाया जाता है, सोयाबीन के दानों में पाया जाता है 20% तेल व 40% प्रोटीन। चलिए मृदा में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, O2 सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर, मृदा में कार्बनिक कार्बन किसका सूचक है, कार्बनिक कार्बन किसका सूचक है, तो उपलब्ध नाइट्रोजन का सूचक है, ठीक है। तो 22 का ए सही है, 23 का ए सही है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, 24 की तरफ, 24 की तरफ देखिए इसमें क्या कहा गया है। गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, तो एरो कहते हैं, क्या एरो। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, मशीनराम में होती है, कहां, मशीनराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया प्रश्न है, 26 नंबर, लिखा है मूंगफली में अंतः जुताई कब नहीं करनी चाहिए, फूल आने की अवस्था के समय, पेंगिंग या खूंटी अवस्था के समय, उगने के समय, या इनमें से कोई नहीं। मूंगफली में अंतः जुताई कब नहीं करनी चाहिए, 26 नंबर, ठीक है, 26 का भी सही है, खूंटी के समय, खूंटी के समय, खूंटी के समय, ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी खूंटी के समय बी, ठीक है, ये आपका बी सही है। कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए अति उत्तम होता है, बहुत बढ़िया, 27 नंबर, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। 28 नंबर की हम बात करेंगे, देखिए 28 नंबर पे, 28 नंबर क्या कहता है इसको भी देख लो, देखिए 28 नंबर, आजा आजा 28 नंबर, चलिए देखिए 28 नंबर क्या कहता है, देखो 28 नंबर क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 28। तो गेहूं 20 दर 100, उड़द का 20, मक्का का 18 किलोग्राम प्रति क्विंटल, सरसों वाला ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना डी वाला। शंकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया, शंकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया, 29 क्वेश्चन नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो चीन ने किया, किसने किया, चीन ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर, लिखा है गोल्डन, लिखा है गोल्डन राइस का विकास इंगोपोट्राइकस ने किया, गोल्डन राइस का विकास इंगोपोट्राइकस ने किया था, इनसे कौन से विटामिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, 30 नंबर, ठीक, तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। आलू का उद्गम स्थल कहां है, इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देंगे, 31 नंबर, ठीक है, 31 नंबर। चलिए दक्षिण अमेरिका में है, हम ही देते हैं, सोयाबीन का उद्गम स्थान चीन में है, ठीक, कहां पे है, चीन में है। चलिए 33 नंबर पे आएंगे हम, क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। अब भैया आप देख लो, गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, 33 नंबर, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, क्वेश्चन संख्या 33। अब 33 का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना 33 का जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में 33 नंबर का आंसर। चलिए सरसों के फल को क्या कहते हैं, सिलुकुआ, सरसों के फल को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन संख्या 34
34 का सही है सिलिकुआ। आलू क्या है? आलू है रूपांतरित तना। आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। 36 नंबर देखिए, 36। ऊबड़ खाबड़ टीलों में सिंचाई की मुख्य विधि क्या है? ऊबड़ खाबड़ टीलों में सिंचाई की मुख्य विधि क्या है? 36 नंबर, ठीक है। तो यह है फव्वारा सिंचाई, ध्यान रखना। अच्छा, चने बिंगलग्राम का मुख्य कीड़ा क्या है? चने का मुख्य कीड़ा क्या है? फली छेदक है, कटुआ 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 लट है, ठीक है, यह है फली छेदक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 38 पे, 38 देखते हैं। देखो सारे प्रश्न ये आए हुए हैं, ये रखना, आपकी वैकेंसी पक्का आएंगी, इतना ध्यान रखना, लेकिन आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ये कन्फर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, तिल सुषमा के कुल किसका नाम है? तिल के कुल जो है का नाम क्या है? किस कुल में जो है तिल आता है? 38 नंबर। तो किस कुल में आता है तिल? ये आता है पेडालिएसी कुल में। कपास के बीजों में रुई किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा हटाई जाती है। ध्यान रखना, कपास के बीजों में जो रुई है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, H2SO4 जिसे बोलते हैं, ठीक है, या जिसे हम गंधक का अम्ल बोलते हैं, ध्यान रखना, इसके द्वारा जो है हटाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है, बोल वोर्म कीड़ा किस फसल पर लगता है? बोल वोर्म कीड़ा किस फसल पर लगता है? धान, कपास, गेहूं या मक्का? 40 नंबर, कपास। RMO40 किसकी किस्म है? मोठ की किस्म है। 42 नंबर, बौने गेहूं में बुवाई की गहराई निर्भर करती है। ठीक है, अब बताइए, सी कोलियोप्टक फाइल की लंबाई पर, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर बोने गेहूं में बुवाई की गहराई निर्भर करती है। ठीक है, दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर कितने किलो बीज के लिए पर्याप्त है? क्वेश्चन संख्या 43 बी, 10। ठीक है, गेहूं में क्रांतिक जड़ें निकलती हैं, ए सतह मृदा सतह से ऊपर, बी बी देख लीजिए, बस एक सेकंड, देखिए, बी मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा पोषक तत्व फलों की गुणवत्ता बढ़ाता है? बढ़िया प्रश्न है, 45 नंबर, कौन सा पोषक तत्व फलों की गुणवत्ता बढ़ाता है? के, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी फल से प्राप्त होता है? भैया इसका ये तो आप भी बता ही सकते हो, ठीक है, विटामिन सी आंवला से भैया सबसे ज्यादा जो है इसमें जो है 46 नंबर, ठीक है, हाँ सबसे ज्यादा ये बारबाडोस चेरी, ठीक, इससे आंवला के फल का प्रकार होता है, बेरी, ड्रूप, बढ़िया क्वेश्चन है, पोम या नट, ठीक है, तो होता है बेरी, बढ़िया प्रश्न, तगड़ा प्रश्न। अमरूद का कुल क्या है? तो अमरूद का कुल है मिर्टेसी। ओलियोरेज, देखिए ओलियोरेजिन किससे निकाला जाता है? क्वेश्चन संख्या 49, ओलियोरेजिन जो है वो मिर्च से निकाला जाता है,
और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है आपका लास्ट है, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 50। कौन सा देश फूलों का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो नीदरलैंड जो है सबसे ज्यादा फूलों का निर्यात करता है। इसकी पीडीएफ आपको एजीटीए की सारी पीडीएफ लगभग लगभग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पर जो है भेज दी जाती है, वीडियो भी भेज दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर चली जाती है। आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि एजीटीए की जगह भी आने वाली है। हाँ, अगर आपको विजय पथ बैच में ज्वाइन लेना है, विजय पथ 2.0 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 499 रुपये का है। इसमें आपको सारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।